लड्डू इन माय हार्ट। ओके, कोई भी आ रहा है कारागंडे, प्लीज गेट हर लड्डू, शी लव्स लड्डू। आई थिंक 50 रुपए के हिसाब से बहुत ही सही बियर है। इस ट्रेन में एक और फैसिलिटी है, अगर आपको चाहिए तो इस तरह का आपको गर्म पानी मिल जाता है कप में। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ इस कंपार्टमेंट के अंदर, काफी बोर हो रहा हूँ मैं सच बताऊँ तो। एक घंटा पहले हम लोग घर आए, आपने देखा जैसे कि मॉन्यूमेंट हम लोग गए थे वहाँ से, फिर मैं और कैथी गए थे सुपरमार्केट थोड़ा बहुत सामान लेना था। मैंने सोचा कि आज कुछ इंडियन बनाओ, कजाकिस्तान में अभी तक मैंने अपना कलाकारी नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कि आज कलाकारी दिखाते हैं, खाना बनाते हैं। तो सिंस कैथी वेगन है तो ज़्यादा कुछ तो ऑप्शन नहीं था बनाने का, तो मैंने सोचा क्या बनाओ, तो मैं आज आलू दम बना रहा हूँ। आलू दम और राइस हम लोग खाएंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने आलू डाला था, तो आलू बॉयल हो गया है, तो मैं आलू में छील के रख रहा हूँ। यहाँ पर टमाटर वगैरह है, और बाय द वे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं तीन बियर लिया हूँ, तीन डिफरेंट फ्लेवर मतलब ब्रांड का, और क्या बताऊँ, बियर यहाँ पे बहुत सस्ता है। मैंने तीन बियर लिया, एक बियर है ये, इसका पड़ा 45 रुपया, 500 ml का है, और 7% अल्कोहल है इसका। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसका लुक काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये देख के कुछ तो मतलब ये कार्टून कैरेक्टर है। एक ये लिया मैंने, और दूसरा मैंने ये लिया जिसमें डियर है, रेन डियर है इसमें, इसमें भी 7.3% अल्कोहल है ये वाला। ये सारा लोकल बियर है कजाकिस्तान का, और सबसे बेस्ट मेरे को लगा ये वाला बियर जिसमें ईगल है, तो ईगल या वॉल्चर अब पता नहीं कौन सा है, पर ईगल जैसा लग रहा है, और इसमें भी 7% अल्कोहल है। तो ये 500 ml का बियर, तीन कप मेरे को सिर्फ इंडियन 150 रुपये देना पड़ा, तो आई थिंक 50 रुपये के हिसाब से बहुत ही सही बियर है। तो प्रोसेस जो है खाना बनाने का वो लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे ग्रेवी बना लिया है, कैन यू शो हियर। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर लिया है, यहाँ पे काफ़ी मस्त ग्रेवी बन रहा है। तो एक बार ये पक जाता है तो फिर मैं आलू डालने वाला हूँ, यहाँ पे आलू डालने वाला हूँ, एंड उसके बाद हमारा आलू दम रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पे चावल बना रही है केती, so guys thank you, and she is doing a great job with camera. yeah. so हाँ अभी देख, तो देखते हैं कैसा रहता है। काफी दिन के बाद मैं फिर से इंडियन खाने वाला, लास्ट मैंने कब खाया, दुबई में खाया था सौरभ के घर पे, मतलब एक हफ्ता पहले। तो फिर से अभी आलू दम और चावल खाएंगे आज, और काफी अच्छा स्मेल आ रहा है। डू यू लाइक द स्मेल? हाउ डू यू लाइक द स्मेल? व्हाई द स्मेल? गुड कॉम्बिनेशन। तो देवियों और सज्जनों, यहाँ पे आलू दम रेडी हो गया है, और काफ़ी टेस्टी बना है, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ मैंने टेस्ट किया इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है आलू दम। और आई होप कि चावल के साथ आलू दम सेट बैठेगा। मोहतरमा वेगन है, तो वेगन के लिए, वेगन के लिए इससे अच्छा मैं कुछ नहीं बना सकता था। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक समथिंग फॉर यू इंडियन स्टाइल, सो आई होप यू लाइक इट, यू नो। निकिता, कम डिलीशियस, распробовать, she's tasting, no, good, delicious. Good little spicy though. Остро, холод. Спайси. Welcome to India. Добрый день, Караганда से, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, और दोपहर दिन का मतलब है गुड आफ्टरनून। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, समय आ चुका है कारागंदे को अलविदा कहने का, और
कैथी को भी एंड निकिता को भी. निकिता बिजी है वहाँ पे, लंच बना रहा है, फ्रेंच फ्राइज बना रहा है. और निकिता बहुत सा पते तो ओके. व्हाट यू मेकिंग, व्हाट इज दिस नेम? Жареная картошка. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है. मैंने एक चीज यूनिक नोटिस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे रात को बहुत ज्यादा ब्राइटनेस था बाहर. रात के 1 बजे कल मैं जब बाहर देख रहा, कल एक्चुअली यहाँ पे लाइट चला गया था, तो मैं जब बाहर देख रहा था रात को ऐसा लग रहा था कि दिन है. मतलब इतना उजाला था रात को 2 बजे. पता नहीं इन लोग कहते हैं कुछ तो टर्म है. कहती तो कहती बोल रही थी कि इसको व्हाइट नाइट बोलते हैं. व्हाइट नाइट का मतलब है कि पूरा सफेद दिखता है आपको. ऐसे भी बाहर बर्फ बहुत ज्यादा है तो आई थिंक रिफ्लेक्शन होगा बादल का, बट इतना लाइट था कि आप कम से कम भी 50 से 60 मीटर तक आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा था एकदम, इतना ब्राइट. मैंने फोटो लिया था रात का 2 बजे का, 1-2 बजे का रात का फोटो, तो मैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. कुछ इस तरह का दिख रहा था. लंच रेडी हो गया है तो यहाँ पे लोग बहुत सिंपल है लाइफ. हम लोग जैसे चावल दाल सब्जी खाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सब्जी खाते हैं. तो ये आलू का जो फ्राई है यही लंच है, तो कुछ इस तरह का लाइफ है यहाँ पे. बाय, आई विल सी यू एंड थैंक यू सो मच स्पासिबा फॉर हैविंग मी एंड गुड लक विथ योर म्यूजिक एंड एवरीथिंग. ओके, आई अंडरस्टैंड म्यूजिक म्यूजिक या एवरीथिंग. इट्स ऑल पक्का पक्का. बाय, पक्का पक्का. अच्छा नहीं लगता ऐसे छोड़ के जाने का, यू नो. कभी कभी आई मीन सब होस्ट के साथ ऐसा नहीं होता है, बट कुछ होस्ट ऐसे होते हैं कि मतलब मन लग जाता है. और इन लोग कुछ इस तरह कहते हैं, मतलब दिल लग गया था इन लोगों के साथ. बाटी कैट कैट हाय. नो नो नो, बाय बाय कैट. केटी निकिता एवरीबॉडी बहुत अच्छे थे. मतलब आई गो टू विद यू इन वोक्सल एंड अभी केटी आ रही है मेरे साथ स्टेशन पे छोड़ने के लिए. लेट्स गो. या सी यू. बाय बाय. लेट्स गो. आई थिंक ये आप जो स्नो देख रहे हो ना अभी, ये कुछ आखिरी स्नो है. अलमाटी में स्नोफॉल नहीं हो रहा है और वहाँ का मौसम मतलब थोड़ा सा बारिश हो रहा है बट स्नो नहीं है. तो ये कजाकिस्तान में आखिरी स्नो आप देख रहे हो और मैं भी देख रहा हूँ. और इसके बाद पता नहीं अब स्नो कब देखने को मिलेगा. स्नो इन योर बैक. या आई मिस स्नो. बहुत अच्छा लगता है मेरे को स्नो. मेरे को स्नो बहुत पसंद है. स्नो जितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठंड कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता है. फटता है थोड़ा बहुत बट अच्छा लगता है. और इस बीटल को भी बाय. यहाँ पे भी एक अलग सा कार है, कुछ बैटरी वाला कार है ये आई थिंक. और थोड़ा सा धूप निकला हुआ है इस तरफ. पासीबा बंसोय. तो ये पार्क है, ये पार्क. ओके, वी हैव टू गो हियर. तो यहाँ पे पार्क है और पार्क के उस तरफ ही वोक्जाल है, रेलवे स्टेशन है. सो व्हाट आर योर 3 वर्ड्स, फेवरेट वर्ड्स इंडियन? फर्स्ट लड्डू इन माय हार्ट. ओके, कोई भी आ रहा है कारागंडे प्लीज गेट हर लड्डू. शी लव्स लड्डू. फर्स्ट आई लाइक दिस एंड सेकंड नमस्ते. नमस्ते एंड 3 वन मोर. फर्स्ट आमिर. आमिर खान. ये idiots and stars on ours. Yeah. You got it. तो ये है रेलवे स्टेशन. वोक्जाल बोलते हैं रेलवे स्टेशन को. और उधर कारागंदे भी लिखा हुआ है. ये माई ट्रेन. What's your नंबर? Yes. 13. तो यहाँ पे ट्रेन आ चुका है. यही ट्रेन में मैं आया था परसों और यही ट्रेन में जाऊंगा.
बट इस बार मैं जो लोअर क्लास में आया था मैं उस क्लास का नाम है बर्थ, तो उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ कूपे में। और कूपे में सिर्फ कूपे एक तरह का 2 AC टाइप का है जहाँ पे आपको बंद दरवाज़ा वगैरह मिलता है। एक्चुअली लंबा जर्नी है तो मैं सोचा सो के जाऊँगा तो थोड़ा सा प्राइवेसी रहेगा तो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस नहीं था तो मैं आपको कितना पे किया हूँ मैं अंदर बता दूंगा। और यहाँ पे अभी 10 मिनट में ट्रेन, 5 मिनट में ट्रेन निकलने वाला है शायद। बाय केटी, बाय, पाका पाका, हाय पीरियड। वाओ, तो पहले ये दरवाजा है, इसको पहले खोलना पड़ता है, आप देख सकते हो ये दरवाजा, और उसके बाद कुछ इस तरह का है, काफी लग्जूरियस एंड गर्म है। 15 नंबर, ये मेरा बर्थ है नीचे वाला, अच्छा लग रहा है। ये काफी अलग सा बर्थ है, एकदम लग्जूरियस, ये 2 AC के आसपास का है। एंड बाय द वे 14 घंटा का ये जर्नी है, और 14 घंटे का जर्नी के लिए और इस तरह का जो फैसिलिटी, इसके लिए मैंने सिर्फ 1200 रुपये पे किया है। आई थिंक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि प्राइवेसी बहुत, सिर्फ 4 जन ही यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब सो सकते हैं, और 4 जन ज़्यादा नहीं, दरवाज़ा वगैरह है, सब कुछ है। अगर आपने पिछले वाले व्लॉग पे देखा होगा कि मैं बर्थ वाले कोच में आया था जिसमें सब कुछ खुला खुला था, काफ़ी सारे लोग थे आसपास, एंड काफ़ी मज़ा आया था। उसमें एक लेडी मिली थी, दादी माँ, जो मन दादी माँ मम्मी जो भी कह लो, जो मुझे काफ़ी प्यार किया और खिलाया पिलाया। तो यहाँ पे पता नहीं कौन आएगा और किससे बातचीत होगा, कुछ आइडिया नहीं है, बट अच्छा है ये। आप देख सकते हो ऊपर में 1, 2, 3, 4 बेड दिया हुआ है, मतलब ये आपका गद्दा है, गद्दा के साथ तकिया दिया हुआ है, फिर चादर वगैरह सब कुछ मिलेगा। मिस करूंगा कारागंदे, कारागंदे लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है देखने के लिए या समझने के लिए, पर मेरे को जगह से ज़्यादा मतलब नहीं है, मेरे को लोग से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि जिस तरह का लोग, जिस तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूँ और जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था कारागंदे में केटी निकिता के साथ, तो इसके वजह से स्पेशल हो गया ये जर्नी। ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, मानता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो सेंटर एरिया है ना, आसपास चीज़ें हैं घूमने के लिए, और जो कंसंट्रेशन कैंप है जो थोड़ा दूर है यहाँ से, उसके अलावा कुछ नहीं है। बट मेरे को उससे ज़्यादा मज़ा आया इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके, थोड़ा बहुत यू नो कल्चरल एक्सचेंज हुआ हमारे बीच में, हम लोग काफ़ी सारे बातें किए, एंड यही मेरे लिए स्पेशल बनाता है जर्नी जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो इसके लिए ही मैं ट्रैवल करता हूँ कि लोगों से मिलूँ, उनके साथ खाना शेयर करूँ, उनके साथ बातें शेयर करूँ। डिस्कवर कर रहा था मैं अपना ट्रैवल स्टाइल्स इतने टाइम से कि क्या मुझे पसंद है, टूरिस्टी पसंद, टूरिस्टी ठीक लगता है कभी कभी, बट मैं ज़्यादा टूरिस्टी पसंद नहीं करता हूँ, मेरे को इस तरह का लोकल कल्चरल स्टाइल में घूमना ज़्यादा पसंद है। तो कल मैं पहुँचाऊँगा अलमाती, अभी बस 18 घंटा मेरे को निकालना है यहाँ पे। चले हुए 1 घंटे से ऊपर हो गए, 2 घंटा, हाँ 1-1.5 घंटा हो गया है, और इस तरफ काफ़ी अच्छा सनसेट हो रहा है जो आपने देखा अभी, और अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ इस अपार्टमेंट के अंदर, काफ़ी बोर हो रहा हूँ मैं सच बताऊँ तो। आई होप कि कोई आए कि मैं बातचीत कर पाऊँ, अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है इसके अंदर, मैं अकेला हूँ, पूरा का पूरा खाली है मेरा ये अपार्टमेंट। रात के 7 बज चुके हैं और अभी तक मेरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, तो आई थिंक आज का रात ऐसे ही निकल जाएगा, और क्या पता रात को अगर कोई आ गया तो मैं थोड़ी देर पहले सो गया था, उठ के देखा तो अभी भी मैं अकेला ही हूँ इस कंपार्टमेंट में। तो एक चीज़ समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइम से जब मैं ट्रैवल करूँगा तो जो सबसे लो क्लास है वही लूँगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे मज़ा ज़्यादा आता है। तो बाहर में पानी का फैसिलिटी है, गर्म पानी का फैसिलिटी है, तो मैं कप नूडल्स लेके आया था मेरे लिए आज रात का डिनर, तो गर्म पानी अवेलेबल है बाहर, तो मैं गर्म पानी यूज़ करके ये नूडल्स
खाने वाला हूँ डिनर के लिए। तो आज मैं कजाकिस्तान के कुपे कंपार्टमेंट में प्राइवेट रूम के मजे लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है। आई एम श्योर आसपास के जितने भी कंपार्टमेंट में लोग हैं थोड़े बहुत, बट इसमें कुछ नहीं है। तो अच्छा है एक तरह से कि मेरे को प्राइवेट रूम वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है यहाँ पे। और मैंने बस अभी अपना बेड लगा लिया है, तो इस तरह का गद्दा दिया गया है, तो ये गद्दा में मैंने ये बेडशीट डाल दिया है, और ये मेरा पिलो, और यहाँ पे चादर है। पर अंदर में इतना गर्मी है ना कि मेरे पसीना आ रहा है, तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को कंबल वगैरह का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफ़ी अच्छा नींद था यार, मज़ा आ गया सो के। और आई थिंक रात को तो जना यहाँ पे आए थे कपल जो रात को आया और सुबह सुबह निकल गए, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया उनसे। अभी बज रहा है 8:30 और 1.5 घंटा का जर्नी बचा हुआ है। काफ़ी मस्त मैं सोया हूँ, और कुछ इस तरह का मेरा बेड था, और अच्छा लग रहा है। ये वाला जो एक्सपीरियंस है ना काफ़ी अच्छा था, और अभी और 1.5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे सैडली स्नो आप नहीं दिख रहा है, सूखा सूखा है, और हल्का सा धूप भी निकला हुआ है यहाँ पे, और मैं स्नो को बहुत मिस कर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह उठा मैं पहला चीज़ देखा बाहर स्नो है, और स्नो नहीं है। टेम्परेचर हालांकि ठंडा है यहाँ पे भी, 3-4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, बट स्नोफॉल अभी फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि अलमाटी में भी बहुत स्नोफॉल होता है, बट आई थिंक अभी थोड़ा टाइम है अलमाटी में स्नोफॉल होने के लिए। इस ट्रेन में एक और फैसिलिटी है, अगर आपको चाहिए तो इस तरह का आपको गर्म पानी मिल जाता है कप में, अगर आपको चाय कॉफ़ी कुछ भी पीना है तो मैंने अभी जाके इनसे मांगा कि भैया एक तो मेरे को चाहिए कप, क्योंकि मेरे कॉफ़ी पीना है। पर ये फैसिलिटी अच्छा है कि आपको गर्म पानी वगैरह चाहिए, कप वगैरह चाहिए, तो आपको सारा मिल जाता है यहाँ पे। तो ये है वो मशीन जिससे गर्म पानी निकलता है, और ये है अटेंडेंट का रूम, स्पासिबा एंड ये कुछ इस तरह का यहाँ का लुक है, ये पैसेज है। तो ये मोस्ट लाइकली जैसा ट्रेन मैंने ईरान में ट्रैवल किया था बंदर अब्बास के लिए, कुछ उस तरह का ही दिखता है ये। तो मैं पहुंच गया हूँ अलमाटी। ठंड है यहाँ पे, पर अब मेरे को ठंड नहीं लग रहा है। यहाँ पे 6 डिग्री टेम्परेचर है अभी फ़िलहाल, और अभी लग रहा है कि मैं गर्मी के जगह पे आ गया हूँ, पर 6 डिग्री भी ठंड है। ये सेम वही ट्रेन था जो मैं अस्ताना से कारागंडे के लिए आया था, अब यही ट्रेन से मैं वापस अलमाटी आया हूँ। और यहाँ पे भी एक और अच्छा सा ट्रेन दिख रहा है मेरे को, काफ़ी अलग सा डिज़ाइन है इसका, तो पता नहीं ये ट्रेन कहाँ जा रहा है। बाहर निकलता हूँ मैं, मुझे यहाँ से पता करना है कि बस कौन सा जाता है सिटी सेंटर के लिए। और मैं यहाँ पे भी काउच सर्फिंग कर रहा हूँ, तो मेरी जो होस्ट है वो अभी ऑफिस में है, तो मेरे को उनके घर के आसपास कहीं पे वेट करना पड़ेगा कि वो आए, एंड देन फिर मैं उनके घर पे जाऊँगा। तो पहले बस ढूंढते हैं, सिटी सेंटर जाते हैं, फिर बात का अपडेट देते हैं आपको। तो मैं अभी स्टेशन के बाहर आ गया हूँ, और यहाँ से 18 नंबर मेरे को बस लेके जाना है सेंटर में। तो अभी ढूंढना पड़ेगा 18 नंबर बस कौन सा है और कहाँ से जाएगा। आई थिंक यहीं कहीं से जाएगा 18 नंबर बस। यहाँ पे ये बस स्टॉप है, और यहाँ पे काफ़ी सारे बस हैं। तो मैं हूँ अभी बस के अंदर, और लकीली यहाँ पे इन्होंने कैश लिया है। मेरे को लगा था कि यहाँ पे फिर से किसी को पूछना पड़ेगा कि मेरे लिए पे कर दो भाई, बट इन्होंने कैश लिया है, 150 टेंगे मेरे से लिया है। एक्चुअली आपके पास अगर कार्ड रहेगा तो आपको सिर्फ 80 टेंगे पे करना पड़ता है, अगर कार्ड नहीं है कैश पे कर रहे हो तो आपको डबल पे करना पड़ता है। तो 150 टेंगे कितना हो गया, समझ लो 20 रुपये के आसपास हो गया भाड़ा। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, 26 स्टॉप के बाद मेरा लोकेशन आने वाला है, तो 26 स्टॉप तक मेरे को मतलब 1 घंटा लगेगा यहाँ से पहुँचने के लिए। तो अभी बस ऐसे खड़े होकर जाना पड़ेगा।